खुदा की अता की गई नेमतों पर हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि उसने अपने बंदों के लिए ऐसी ऐसी चीजें तखलीक फरमाई जिनके फवायद शुमार करना इंसान के बस की बात नहीं है। खुदा ताला की पैदा करदा बेशुमार नेमतों में से एक नेमत सब्ज इलायची है, जिसे छोटी इलायची भी कहा जाता है। छोटी इलायची या सब्ज इलायची घरों में आम इस्तेमाल की जाती है और ये दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में पाई जाती है। इसके इस्तेमाल से सेहत पर बेशुमार फवायद मुरतब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेजबान सदफ मंजूर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आवाज़े खल्क उर्दू। तो नाज़रीन, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको कार्डमम यानी सब्ज इलायची इस्तेमाल करने के ऐसे फायदे बताएंगे जो न जानकर आपको हैरत होगी। इससे पहले कि मैं इस मुनफरिद और दिलचस्प वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहें। छोटी इलायची का इस्तेमाल ज्यादातर मीठी गिजाओं, चाय या कहवों में किया जाता है। इसके इस्तेमाल से मीठी गिजा खुश जायका हो जाती है और इसे बराह रास्त खाने से मुंह से आने वाली नागवार सांसों का खात्मा भी होता है और सांस महक उठती है। मोटापा कई बीमारियों की जड़ है, जबकि बढ़ा हुआ पेट शर्मिंदगी और बहुत सी बीमारियों का बाइस बनता है। मोटापा और पेट कम करने के लिए बहुत सी वर्जिशें भी हैं, लेकिन हर इंसान के लिए जिम जाना या वर्जिश का वक्त निकालना मुमकिन नहीं होता। छोटी इलायची का इस्तेमाल अगर बाकायदगी से किया जाए तो इससे न सिर्फ कमर पतली होती है बल्कि वजन में भी कमी आती है। इलायची के बुनियादी अज्जा में आयरन, कॉपर और विटामिन सी के अलावा ऐसे विटामिन्स मौजूद होते हैं कि जो खून के सुर्ख खलियात की अफजाइश के लिए बेहद मददगार साबित होते हैं और अनीमिया की बीमारी का देसी इलाज साबित होते हैं। इलायची एंटी डिप्रेशन सलाहियत रखती है। इसका आधा चम्मच पाउडर दिन में 2-3 बार खाने से डिप्रेशन, स्ट्रेस और दीगर दिमागी और नफसियाती अमराज में सुकून मिलता है। इसके साथ साथ सब्ज इलायची मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम से भरपूर होती है। इसे खून के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए खजाना करार दिया जाता है। इलायची का इस्तेमाल खून की तरसील के अमल को बेहतर बनाता है और इलायची हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद फराहम करती है। सब्ज इलायची अपने डिटॉक्सिन के अमल से जिस्म के जहरीले और फासिद मादों को खत्म करती है, इन्हें जिस्म से खारिज करने में मदद फराहम करती है, मुतअद्दिद अमराज हद तक कैंसर जैसे मूजी मर्ज से भी बचाती है। सब्ज इलायची बेहतरीन एंटी कैंसर, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी खसूसियात की हामिल है, एक बेमिसाल चीज है। इलायची को चबाने से मुंह में बनने वाले लुआब में भी इजाफा होता है जो खुराक को हजम करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। अल्सर की बेशतर इकसाम में भी इलायची फायदेमंद है। अगर सांस की बदबू 1000 कोशिश के बावजूद भी खत्म नहीं होती तो इलायची इस्तेमाल करें। ये एंटी बैक्टीरियल खसूसियात की हामिल है। इसकी तेज खुशबू मुंह की बदबू दूर कर देती है। ये निजाम हाजमा को भी बेहतर बनाती है, जबकि मुंह की बदबू की एक बड़ी वजह निजाम इन्हजाम की खराबी होती है। अगर आपके पसीने से नागवार बू आती है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका इलाज भी इलायची में मौजूद है। सब्ज इलायची का पाउडर आधा चम्मच सुबह निहार मुंह मुसलसल इस्तेमाल करने से पसीने की बदबू खुशबू में बदल जाती है। तासीर ठंडी होने के सबब गर्मियों में इसके इस्तेमाल से इंसान खुद को तरोताजा और हल्का महसूस करता है। जी तो नाजरी, आज की ये मुनफरिद और दिलचस्प वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी मेजबान सदफ मंजूर को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।